नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूथ हुन वो दोस्तों, चैनल में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, नियोजित शिक्षकों की हो गई जी 27 मार्च को हमारी अगली सुनवाई है, तो फटाफट चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लीजिए, जो बेल आइकन है आप उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको हमेशा मिलता रहे हमारे चैनल की तरफ से। तो कोर्ट ने कहा सैलरी दीजिए, एरियर की बात बाद में करेंगे। कोर्ट ने कहा कि संबंधित आगामी निर्णय जो है वो 27 मार्च 2018 को दी जाएगी, यानी कि हमारी जो वेतनमान की बात है वो क्लियर हो चुकी है। सरकार के रिपोर्ट पे फटकार लगाई गई है, उसने कम संसाधन वाली बात को कोर्ट ने नहीं माना है। सरकार की हर बातों को कोर्ट ने दकियानुसी साबित कर दिया है। रोहिंगटन साहब ने सरकार के रुख को किया है खारिज, कहा समान काम समान वेतन देना ही होगा, अतः केंद्र और राज्य आपस में इस मामले को जितना जल्दी हो सके उसको सलट लें। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि वेतनमान देना होगा और एरियर के लिए जो अगली तारीख पे होगा विचार, यानी कि जो 27 मार्च का तारीख दिया गया है कोर्ट की तरफ से, वो एरियर के लिए है कि उस दिन एरियर पे विचार किया जाएगा। समान काम समान वेतन पर माननीय न्यायमूर्ति गोयल, रोहिंगटन और नवीन सिंह की जो बेंच थी उस पर घंटों जोरदार बहस चली। कुछ देर पहले मैंने आपको वीडियो में बताया था कि बहस शुरू हो चुकी है और बहुत जोरदार बहस हो रही है। संघ की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सी ए सुंदरम और हरिन पी रावल ने मजबूती से अपना पक्ष रखा, उन्होंने एक एक करके सारी बातों को बताया कोर्ट को, जो भी हमारे समान काम समान वेतन से जुड़ी हुई बातें थी सबको बताया। कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार 50-50% की भागीदारी सुनिश्चित कर वेतन मान दे, साथ ही अंतर्राशि के लिए 27 मार्च को होगी पुनः सुनवाई, यानी कि आगे की जो तारीख हमें मिली है वो हमारे एरियर के लिए मिली है। तो आप सबको बहुत बहुत बधाई इस चीज़ के लिए। इस प्रकार यह हम लोगों की पहली ऐतिहासिक जीत हुई है और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सारे शिक्षकों, नियोजित शिक्षकों की दुआएं काम आई, उनकी जो पूजा पाठ वो सब कुछ काम आया, ईश्वर हमारे साथ है। तो आगे 27 मार्च की लड़ाई अब हमें लड़नी है, तो इस ऐतिहासिक जीत के लिए आप सभी को एक बार फिर से बधाई हो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, इसको लाइक कीजिए, दूसरों तक शेयर कीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तो जय हिंद, जय शिक्षा, वंदे मातरम।